अब रेलवे रिजर्वेशन के लिए नहीं होगी मारामारी, 120 दिन नहीं 60 दिन पहले बुक करा सकेंगे वेटिंग टिकट। नाला सुपारा की अग्रवाल नगरी में 41 अवैध इमारतों पर चलेगा बुलडोजर, नगर पालिका ने मंगाया फोर्स। 65 गोली से लैस आए थे बाबा सिद्दीकी के हत्यारे, एनसीपी नेता हत्याकांड में बड़ा खुलासा। सलमान खान के हमले की साजिश मामले में बड़ा गिरफ्तारी, पानीपत से शूटर सुखा अरेस्ट किया गया। फ्रैंकफर्ट से मुंबई आ रही विस्तारा फ्लाइट में बम की धमकी करनी पड़ी, इमरजेंसी लैंडिंग। मुंबई में जल संकट गहराया, कई इलाकों में पानी की आपूर्ति प्रभावित, 48 घंटे तक जूझेंगे लोग। मध्य रेलवे ने त्योहारी सीजन के लिए विशेष पहल शुरू की। IRS अधिकारी समीर वानखेड़े की राजनीति में हुई एंट्री, शिवसेना में शामिल होकर धारावी सीट से लड़ सकते हैं चुनाव। मुंबई में बढ़ रही है लग्जरी घरों दफ्तरों की मांग, बोरीवली मीरा रोड सहित मुलुंड घाटकोपर सहित नवी मुंबई में नए आ रहे हैं प्रोजेक्ट। गुरुवार की सुबह मुंबई में छाई धुंध, तापमान सामान्य 2 डिग्री कम। महाराष्ट्र और यूपी में सीट बंटवारे को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कल मुंबई जाएंगे सपा प्रमुख। लोकसभा चुनाव में हार के बाद महायुति ने पहले ही मुफ्त कैश वाली योजना के लिए खजाना खोल दिया है, अब महाविकास आघाड़ी भी करने वाला है बड़ा ऐलान। चुनाव आयोग के जांच के दायरे में महाराष्ट्र की सरकार, आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में जांच करेगी सरकार। आदित्य ठाकरे ने महायुति को बताया महाजुटी सरकार, मैं इस सरकार को सीएम को चैलेंज करता हूं कि वे हमारे सामने बैठकर बातें करें। कांग्रेस 20 अक्टूबर को खोलेगी अपना पहला पत्ता, करेगी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी। अबू आजमी ने महाविकास आघाड़ी को 2 नसीहत दी, बोली नहीं मिली 12 सीटें तो अकेले लड़ेंगे चुनाव। बीएमसी ने नेस्को को आवारा कुत्तों के लिए अनिवार्य भोजन क्षेत्र बनाने का आदेश दिया। गेट खुला देख फ्लैट में घुस जाती थी, समेट ले जाती थी कीमती सामान, नाबालिग बेटे के साथ मिलकर महिला करती थी चोरी। मुंबई में सोने चांदी के दामों में उछाल, सोना हुआ 77,110, चांदी पहुंचा 97,000। मुंबई के रहने वाली महिला से 12,77,000 रुपए की ठगी, जाम तोड़ा से गिरफ्तार किए गए।